में, उसके लिए देखो ये व्यवस्थाएँ हैं और वो उसकी माँ है और इसका एक छोटा सा घर है, इसमें दो छोटे छोटे नन्हे से मेहमान हैं, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आपको भी यदि समय मिले तो पक्षियों के लिए ज़रूर कीजिए इस प्रकार से, इनका भी छोटा सा घर बनाइए, क्योंकि कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, जो ही ये चलने लग जाएंगे तो दोस्तों ये यहाँ से चले जाएंगे। तो आप भी पक्षियों के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं जिनसे आपको भी बहुत खुशी महसूस होगी, जैसे कि मुझे हो रही है। मैंने अनार का जो पेड़ है इसके ऊपर एक छोटा सा इसके लिए घर बनाया था और इसी में इसने अंडे दिए थे और इसी में ही ये जो छोटे छोटे मेहमान हैं इसके अंदर वो पैदा हुए थे। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं।